सालों से गरीबी एक चुनावी मुद्दा रहा है और आज भी है। आइए जानते हैं इनसे इनकी जमीनी हकीकत। सरकार गरीबों के अच्छे दिन की बात लेकर आए थे 2014 में, आपके क्या हालात है? हालत तो आपके सामने है मैडम। अरे गरीबी को समझने के लिए गरीबों से जुड़ना पड़ता है, उनके दर्द को सुनना और समझना पड़ता है। लेकिन सुनना और समझना तो छोड़िए, ये सरकार तो हम गरीबों का मजाक उड़ा रही है। अभी ये फ्री सिलेंडर वाली योजना, यही उज्ज्वला योजना, पहला सिलेंडर फ्री में देकर वाहवाही लूट ली सरकार ने, लेकिन दूसरे सिलेंडर के लिए 850 रुपए देने के लिए बोला। गरीबी रेखा वाला ये परिवार कहाँ से लाएगा इतने रुपए? और सब्सिडी के लिए बैंक में खाता खुलवाने गए तो कम बैलेंस होने से वो पैसा भी काट दिया। अरे सरकार के जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब गैस कनेक्शन देने के बाद किरासिन तेल भी बंद कर दिया। अरे कुछ नहीं मैडम जी, अपने फायदे के लिए सीधे साधे गरीबों को चक्रव्यूह में फंसा रही है ये सरकार। हमारे बच्चे भूख से रो रहे थे, रात को पानी पीकर सो रहे थे, तब कहाँ थे ये गरीबों का नाम जपने वाले अमीर चौकीदार? अब नजर आए हैं क्योंकि इन्हें हमारा वोट चाहिए। लेकिन हम गरीबों को न्याय चाहिए। मतदान के दिन हम निकलेंगे अपने झोपड़ों से और सरकार को अपने मत से जवाब देंगे।